नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है। सियासत की बात में आज चर्चा होगी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की। ये 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। सेंट्रल विस्टा मतलब कि नया नॉर्थ ब्लॉक होगा, नया साउथ ब्लॉक होगा, देश में नई संसद होगी, नए मंत्रालय बनेंगे, एमपीओ की बैठने की जगह होगी, प्रधानमंत्री का नया निवास होगा, उपराष्ट्रपति का नया निवास होगा। मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूँ। इसको लेकर एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दी गई है। अब उस याचिका पर सुनवाई होगी। उस याचिका पर यह सुनवाई होगी कि क्या यह प्रोजेक्ट आगे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, क्योंकि याचिका कह रही है कि कोरोना के मद्देनजर अभी इस पर काम बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि मजदूर प्रभावित हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं और सुपर स्प्रेडर का काम कर सकते हैं, और इसे एसेंशियल सर्विसेज में नहीं रखना चाहिए। ये एक पहलू है, लेकिन जो राजनीतिकरण हुआ है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का, उस पर आज मैं आपसे बात करूंगा कि राजनीतिकरण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का गलत है। ये कोई 20,000 करोड़ रुपए किसी की निजी संपत्ति या किसी का निजी घर नहीं बन रहा, ये फ्यूचर बिल्डिंग्स बन रही हैं भारत के लिए। अब आप बोलेंगे भाई नई संसद की क्या जरूरत है। मैंने 20 साल संसद कवर की है, मुझे पता है कि अंदर से कितनी टूट चुकी है। आपको विश्वास नहीं होगा, एसी की लाइन, टेलीफोन की लाइन, डेटा केबल्स की लाइन, अंदर से पूरी संसद खोखली हो चुकी है। मुझे UP-1 का वो दौर याद है जब तीसरी मंजिल पे एक छोटी सी दुकान होती थी, वहाँ चाय पानी मिलता था, पकौड़े मिलते थे, उसके कारण जो फ्लोरिंग थी वो ख़राब हो गई थी। जो फर्स्ट फ्लोर था वहाँ मुरली देवरा बैठते थे, वो पूरी की पूरी सीलिंग टूट के उनकी टेबल पे जा गिरी। अगर वो होते तो वो बचते नहीं। यानी संसद के अंदर हालत इतनी ख़राब है, पार्किंग की आपके पास व्यवस्था नहीं है। जब PM अपने घर से आते हैं तो पूरा का पूरा, आप मानिए लुटियंस गली का एक हिस्सा बंद यानी चौक हो जाता है। अब इस नए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में ये एक सुरंग बनेगी जिससे प्रधानमंत्री सीधे संसद आ पाएंगे, पहली चीज तो ये। दूसरा, 2012 में ही ये प्रोजेक्ट मूट हुआ था। कहने का मतलब है किसी का निजी घर नहीं बन रहा, उपराष्ट्रपति का निजी घर नहीं बन रहा, प्रधानमंत्री का निजी घर नहीं बन रहा। अब जैसे उपराष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति का एक मिनिस्टर का घर है, उसकी सिक्योरिटी इस तरीके से की गई है कि पीछे इंडिया गेट पड़ता है, सामने से ट्रैफिक चलता है। जहां तक प्रधानमंत्री के घर की बात है, उसमें 5 बंगले मिला रखे हैं, और 5 बंगले मिला के वो एक आपका जिसे कहते हैं कि प्रधानमंत्री रेजिडेंस बना हुआ है, और वो भी धीरे धीरे जमा किए गए बंगले, यानी जो जितने 1985 में थे उसके बाद 1990 में बढ़े, अब वो पूरी की पूरी लेन हो गई है जिसपे कोई भी बंगला किसी मंत्री के पास नहीं है। लेकिन ये हमें समझना जरूरी होगा कि सेंट्रल विस्टा क्यों जरूरी है। अगर आप उद्योग भवन जाइए, कृषि भवन जाइए, शास्त्री भवन जाइए, आपको पता लगेगा कि किस तरीके से एस्बेस्टॉस का काम कर रखा है अंदर, जो अपने आप में कैंसरस होता है। पहली चीज़ ये, बैठने की जगह नहीं, पार्किंग की जगह नहीं, इतनी ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि कंजस्टेड हैं, आपको लगेगा नहीं कि आप किसी मिनिस्ट्री गए हैं, बात पहली ये। दूसरी, मंत्रियों के अलावा संसद में सांसदों की बैठने की जगह नहीं है। यानी अब जब नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनेगा तो कम से कम सांसदों की बैठने की जगह होगी। लोग कह रहे हैं लेगेसी है। हाँ भाई, जिस सरकार को लोग चुन के भेजती है उसकी ही लेगेसी होगी, जो नहीं चुन पा रही है उसकी लेगेसी क्या होगी। पहली चीज़ ये आज़ादी से पहले की बनी हुई बिल्डिंग है। मैं नॉर्थ ब्लॉक भी गया हूँ, मैंने डिफेंस भी कवर किया है, मैंने होम मिनिस्ट्री भी कवर की है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि अंदर से इतना ऑल्टरेशन किया गया है कई चीज़ों को लेके कि बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी पर सवाल उठता है। जहाँ तक संसद की बात है, संसद में जब हमारे राज्यसभा और लोकसभा के सांसद साथ बैठते हैं तो उन्हें सेंट्रल हॉल में बिठाया जाता है, तब भी वहाँ बैठने की जगह नहीं होती। आप विश्वास नहीं करेंगे कि लोकसभा में पहली दो लाइन के अलावा फोल्डर रखने की जगह नहीं है MPO के पास। MP सेंट्रल हॉल में बैठते हैं, प्राइवेट ऑफिसेज नहीं हैं लोगों से मिलने के लिए, और सेंट्रल हॉल ऐसी जगह है जहाँ पत्रकार भी आते हैं, कुछ चुने हुए राज्यसभा मेंबर्स, लोकसभा मेंबर और जितने रिटायर्ड राज्यसभा लोकसभा मेंबर हैं जो हारे हुए हैं वो सब आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक जगह लोग वहाँ खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, गप मार रहे हैं, तो वहाँ लेजिस्लेटिव काम क्या होगा। उसके लिए आपको पार्लियामेंट बिल्डिंग जाना पड़ता है, NXC जाना पड़ता है, वो एक अलग जगह बनी हुई है। यानी वो परिसर ही अपने आप में अलग है, वो छोटे 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 कमरे उधर बने हुए हैं जो बिल्डिंग से दूर है, यानी काफ़ी जो काम है वो छितरा हुआ है। ये दूसरी चीज़। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो लोग भूल जाते हैं, इस देश में परिसीमन होना है, सांसदों की संख्या बढ़नी है, क्योंकि इस देश की जनसंख्या बढ़ गई है। और जब सांसद ज़्यादा होंगे तो वो बैठेंगे कहाँ, ना उतने लोकसभा में आ सकते हैं, ना उतने राज्यसभा में आ सकते हैं। इसलिए नई बिल्डिंग तो बनना ज़रूरी है ही, लेकिन हाँ, इस बिल्डिंग का क्या होगा तो मैं आपको बताता हूँ। ये सारी बिल्डिंग्स म्यूजियम में बनेंगी। अगर आप घूमें हमारे संसद को बाहरी कॉरिडोर से देखें तो खूबसूरत पेंटिंग्स लगी हुई हैं,
जहां मिनिस्टर्स बैठते हैं उनकी दीवारों पे पुरानी पेंटिंग्स हैं, हमारी जिसे कहते हैं सिंक्रेटिक हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। चाहे आप नॉर्थ ब्लॉक जाइए, साउथ ब्लॉक जाइए, एक अलग तरह का आर्किटेक्चर है। लोग जब आएंगे तो उनको पता लगेगा कि क्यों और कैसे और किस फिलॉसफी के तहत ब्रिटिश साम्राज्य ने इसकी स्थापना की थी। तो मुझे लगता है कि कोरोना का सवाल एक तरफ है, लेकिन जो उसका राजनीतिकरण हो रहा है कि भाई इतना पैसा खर्च किया जा रहा है वो गलत है। पेरिस भी बार बार बना है। आपकी जितनी राज्य में सरकारें हैं उन सब लोगों ने कितनी बार विधानसभाएं नहीं बनाई हैं, कितने एमएलए हॉस्टल नहीं बनाए हैं? कभी ये किसी ने बोला है कि भाई यही विधानसभा चलनी चाहिए जो 1910 में बनी थी? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप संसद जाएंगे उसके अंदर से जर्जर व्यवस्था देखेंगे तो आपको समझ में आएगा वाकई हमारे सांसदों को नई जगह चाहिए। और आखिर में इतना कहूंगा कि बिल्डिंग इतनी पुरानी है कि वहां के सीवर सिस्टम तब ठीक नहीं है। ज्यादा बारिश होती है तो संसद के अंदर के सीवर से पानी बाहर आ जाता है जहां पत्रकार खड़े होते हैं। मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूं क्योंकि ये महसूस की हैं और मैंने देखी हैं। हाँ, वो अब अदालत क्या फैसला लेती है, कितनी दिन की रोक लगती है, नहीं रोक लगती, वो अलग बात है। लेकिन इस देश को एक नया संसद, एक नया मंत्रालय, नए मंत्रालय जहां हमारे मिनिस्टर्स बैठ सकें, पार्लियामेंटेरियंस के लिए बैठने की जगह चाहिए, ज़रूरी है और होनी चाहिए। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 Digital।